हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं कुछ मेरे क्लीनिंग हैबिट्स जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में। इस काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि मैं अपने घर को क्लीन, टाइडी और क्लटर फ्री रख सकूँ। कुछ मेरी डेली और वीकली क्लीनिंग रूटीन्स हैं, लेकिन ये डेली और स्मॉल हैबिट्स हैं जो मुझे हेल्प करती है मेरे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में। फ्रूट्स और वेजेस काटते टाइम मैं ये प्लास्टिक बोल हमेशा यूज़ करती हूँ सारा वेस्ट इसमें रखने के लिए। कटिंग फिनिश हो जाने के बाद किचन काउंटर टॉप को क्लीन करना भी ईजी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं होता है और एक बार में ही ये वेस्ट डस्टबिन में फेंकने में भी आसानी रहती है। कटिंग बोर्ड को भी मैं कटिंग फिनिश हो जाने के बाद इमीडिएटली साफ़ करती हूँ। वुड कटिंग बोर्ड है, बैक्टीरिया ईजिली बिल्डअप होने के चांसेस हैं। वीकली मैं कटिंग बोर्ड को नमक और नींबू के साथ वॉश करती हूँ और जो भी वेजेस की स्मेल है वो इसमें निकल जाती है और कटिंग बोर्ड फ्रेश और क्लीन हो जाता है। आटा गूंधने और रोटी बनाते टाइम किचन टॉल को मैं हमेशा काउंटर टॉप पर रखती हूँ पहले। सारा ड्राई आटा इस टॉल में इकट्ठा हो जाता है और रोटी बनाने के बाद इस टॉल को मैं झाड़ देती हूँ किचन सिंक में। और ऐसा ही करती हूँ मैं जब ऑयल या कोई भी स्पाइसेस ट्रांसफ़र करती हूँ बॉटल या जार में। आम का अचार यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस बॉटल में और नीचे मैंने पहले किचन पेपर टॉल रखा है। काउंटर टॉप की ईजी क्लीनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। कुछ कुकिंग एसेंशियल्स मैंने किचन काउंटर टॉप पर रखे हैं, जैसे चाय पत्ती, चीनी, घी, तेल, और ये सभी डेली कुकिंग में यूज़ होते हैं और डेली बेसिस पे ही मैं इन सभी कंटेनर्स को साफ़ करती हूँ। किचन क्लीनिंग के लिए मेरा फेवरेट क्लीनिंग स्प्रे है किचन काउंटर टॉप, गैस टॉप, मैं सब इसी स्प्रे के साथ साफ़ करती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है इस स्प्रे की और प्रॉपर क्लीनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्लीनर है। ये सारी छोटी स्मॉल हैबिट्स हैं जो हेल्प करती हैं किचन को क्लीन रखने में, और ऐसे मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा हुआ है और यही मैं भी फॉलो करती हूँ अपने घर में अपने किचन को साफ़ रखने के लिए। किचन काउंटर टॉप और गैस टॉप जितनी बार भी कुकिंग होती है मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। इवन रात में भी काउंटर टॉप और गैस टॉप में साफ़ करती हूँ। मॉर्निंग्स थोड़ी ईजी हो जाती है, सुबह फ्रेश और क्लीन किचन मिले तो कुकिंग और क्लीनिंग टाइम सेव हो जाता है। हर मील के बाद डिशेस साफ़ करना एक अच्छी और हेल्दी हैबिट है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट के बर्तन मैं उसी टाइम साफ़ कर लूँ, बट कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन शाम को मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बर्तन एक साथ साफ़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम इन सभी धुले हुए बर्तनों को मैं ड्राई होने के लिए रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए इसी ड्राइंग मैट पे। बट अगर किसी भी वजह से मुझे काउंटर टॉप क्लियर करना हो तो मैं इन सभी बर्तनों को, धुले हुए बर्तनों को, किचन टॉवल से साफ़ करके ही कैबिनेट्स में रखती हूँ। क्लीनिंग रूटीन्स मैं फॉलो करती हूँ अपने घर को क्लीन करने के लिए, जिसमें किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। घर का ये वो एरिया है, स्पेस है, जहाँ क्लटर आसानी से इकट्ठा हो जाता है और डस्टी हो जाता है। पेंट्री, फ्रिज, किचन ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, चिमनी, ये मैं एक दिन में साफ नहीं करती हूँ, पॉसिबल भी नहीं है। स्मॉल पार्ट्स में मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ। मंथली पेंट्री में साफ करती हूँ और इस दिन मैंने इस किचन स्टोर को क्लीन करके रीऑर्गेनाइज किया था, बट कुछ ही क्लिप्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। एंटी स्लिप पे ये शीट रोल है, किचन कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, शेल्फ, फ्रिज, टेबल मैट की भी इसे यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज इसका यूज है। रोल में शीट आती है तो अपने किचन ड्रॉर्स या शेल्फ के साइज के अकॉर्डिंग इसे कट करके हम यूज कर सकते हैं। इजी टू क्लीन है। इन शीट्स को मैंने किचन ड्रॉर्स में भी यूज किया है। मल्टीफंक्शनल है, स्टेन फ्री है, क्लीन करना बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। मैंने मल्टीपर्पज सरफेस क्लीनर के साथ इसको भी, इन शीट्स को भी साफ किया है। डिश सोप के साथ भी आसानी से साफ हो जाती हैं। कुछ कंटेनर्स यहाँ पर मैंने साफ़ करके रिफ़िल किए हैं और पैक्ड ग्रॉसरी उनको मैंने स्टोर किया है इन ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बिन्स में। इन सभी ऑर्गेनाइजर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी डिफरेंट मसाले मैंने इस स्टील बॉक्स में रखे हैं, मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। एक ही बॉक्स में सभी स्पाइसेस हैं तो कुकिंग मेरे लिए इजी हो जाती है। डिफरेंट कंटेनर्स मैंने मसालों के लिए नहीं यूज़ किए हैं और ये सभी कुकिंग एसेंशियल्स मैंने काउंटर टॉप, किचन काउंटर टॉप के अराउंड ही रखें, आसपास रखें, ताकि मैं अपना कुकिंग टाइम बचा सकूँ। इन सभी कुकिंग एसेंशियल्स को ढूंढने मेरा टाइम वेस्ट ना हो। टी बैग्स को स्टोर करने के लिए मेरा फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है वुडन, ये बॉक्स है, 6 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड है। डिफरेंट फ्लेवर्स के मैंने इसमें टी बैग्स रखे हैं। ग्रीन टी एक्चुअली मैंने इस पूरे बॉक्स में स्टोर की है और बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुक है इस बॉक्स की।
रूटीन क्लीनिंग के बाद मैं घर का कोई भी एक स्पेस क्लीन करती हूँ, चाहे वो फिर बेड साइड टेबल क्लीन करना हो, किचन का कोई भी ड्रॉअर हो, बुक्स अरेंज करना हो, स्टडी टेबल साफ़ करके रीऑर्गेनाइज करना हो, स्मॉल पार्ट्स में क्लीन करना मेरे लिए कंफर्टेबल है। उसके बाद डीप क्लीनिंग उस स्पेस की मेरे लिए थोड़ी ईजी हो जाती है। एंटी स्लिप शीट मैंने सभी किचन ड्रॉर्स में रखी है, ड्रॉर्स की क्लीनिंग ईजी हो जाती है। और इस ड्रॉर में मैंने सभी चाय के कप और कॉफ़ी मग्स रखे हैं। फ्रूट्स और वेजीज़ स्टोर करने से पहले वीकली मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ। ये फ्रिज क्लीनर रिसेंटली अभी मैंने यूज़ करना शुरू किया है। इको फ्रेंडली ये क्लीनिंग सॉल्यूशन है, इंस्टेंटली वाटर मार्क्स, फिंगरप्रिंट्स ये सभी साफ कर देता है। इफेक्टिव ये क्लीनिंग सॉल्यूशन है, सभी स्टेनलेस स्टील सर्फेसिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रिज क्लीनिंग मुझे लगता है कि ये डेली क्लीनिंग एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ फ्रिज में स्पिल होता ही रहता है, तो रेगुलरली फ्रिज जो है साफ करना ही पड़ता है। ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट स्टोरेज पिन्स मेरे फेवरेट हैं फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए, नीट और क्लीन लुक के लिए ये स्टोरेज पिन्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। चिमनी महीने में या दो महीने में मैं एक बार साफ़ करती हूँ। ऑटो क्लीन ये चिमनी है, बट प्रॉपर क्लीनिंग के लिए मैन्युअली भी इसे साफ़ करना पड़ता है। ऑयल कलेक्टर और फिल्टर्स को मैं गर्म पानी में थोड़ा सा डिश सोप डालकर ही 15-20 मिनट के लिए सोक करके रखती हूँ, और उसके बाद टूथब्रश की हेल्प से मैं इन फिल्टर्स को साफ़ करती हूँ। जो फिल्टर में गैप है बीच में, वो आसानी से टूथब्रश से साफ़ हो जाते हैं। किचन सिंक क्लीन करना डेली क्लीनिंग रूटीन का एक एसेंशियल पार्ट है। जितनी बार भी बर्तन साफ़ होते हैं उतनी बार ही किचन सिंक भी साफ़ होता है। डेली किचन सिंक क्लीन करने के बाद मैं गर्म पानी इस सिंक पाइप में डालती हूँ, और उसके बाद कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स के। इससे किचन क्लीन और फ्रेश हो जाता है। किचन काउंटर टॉप और बैक साइड की टाइल्स बैक स्प्लैश कुकिंग के टाइम ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो ये रेगुलर मैं साफ़ करती हूँ। और किचन सिंक के पास जो ग्लास विंडो है वो भी बहुत आसानी से गंदी हो जाती है, जल्दी गंदी हो जाती है, तो ये दोनों ही चीज़ें मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ। फ्लोर क्लीनिंग डेली क्लीनिंग का पार्ट है, वैक्यूम क्लीन करने के बाद मॉपिंग डेली ही होती है। किचन फ्लोर मैट मैंने अभी चेंज किए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल ये फैब्रिक है, और एंटी स्लिप ये रनर है। और किचन फ्लोर मैट्स हमेशा हेल्पफुल हैं फ्लोर को क्लीन रखने में, स्पेशली किचन सिंक एरिया के पास। डेली किचन क्लीनिंग रूटीन क्रिएट करने से किचन हमेशा ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ये मेरे कुछ क्लीनिंग हैबिट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।